हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर पंचाल टेक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि आपको पता होगा रियलमी की नार्जो स्विच बहुत ही फेमस है। रियलमी का नार्जो 10 हमने अनबॉक्सिंग भी किया था, उसके बाद नार्जो 20 भी आया और आज आ चुका है हमारे पास रियलमी का नार्जो 30। बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग, इस बार बहुत ही डिफरेंट है। हालांकि ये 5G फ़ोन है। अब देखते हैं, करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसका रिव्यू, और मैं आपको बताने वाला हूँ इसी स्मार्टफोन के बारे में। तो चलिए थोड़ी सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वेल गाइस, बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर हमको एक इस तरीके से एक एनवलप मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फिल द पावर। तो इसके अंदर देख लेते हैं, यहाँ पर हमको एक सेफ्टी गाइड और मैनुअल मिलती है। अंदर कुछ एक नॉर्मल सा केस है जहाँ पर जो है कैमरा कटआउट और नॉर्मल सा केस, अच्छा केस है। बाकी हमारा जो है मेन स्मार्टफोन, इसको रखते हैं साइड में। और बॉक्स के अंदर यहाँ पर हमको USB टाइप सी केबल मिलती है और साथ ही 18 वोल्ट का चार्जर मिलता है। वेल गाइस, ये है मेरे हाथ में रियलमी नार्जो 30 5G स्मार्टफोन। जहाँ पर आप देखो तो पीछे यहाँ पर हमको सिल्वर कलर का, कुछ स्टीली कलर का यहाँ पर जो आपको बैक पैनल दिख रहा है, बेसिकली ये प्लास्टिक का बना हुआ है। और साथ ही यहाँ पर हमको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। मोबाइल फ़ोन को करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन के ओवरव्यू की। तो यहाँ पर हमको राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन के साथ ही यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। ऊपर साइड कुछ भी नहीं, एकदम फ्लैट है। और लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमको सिम ट्रे यानी सिम पोर्ट मिलती है। यहाँ पर हमको जो है डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लॉट मिलता है, पर जो स्टोरेज को आप एक्सपांड कर सकते हो। और नीचे के साइड 3.5mm का हेडफोन जैक, माइक्रोफोन, सी टाइप पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। एंड गाइस, यहां पर जो है MediaTek Dimensity 700 5G का प्रोसेसर मिलता है, जहां पर जो है 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। साथ ही बात करें बैटरी की, तो यहां पर हमको 5000mAh की बैटरी मिलती है, जहां पर हमको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। जी हां दोस्तों, बात करते हैं अब कैमरास के बारे में। तो यहां पर हमको फ्रंट कैमरा मिलता है, बेसिकली इन डिस्प्ले पंच होल कैमरा है 16 मेगापिक्सल का f2.1 का। और बात करें अगर इसकी क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर जो हमको पोर्ट्रेट का, फोटो, वीडियो और ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, नाइट मोड वगैरह वगैरह। हालांकि मैंने पोर्ट्रेट मोड में कुछ फोटोज वगैरह खींचे हैं, तो यहाँ पर जो है मतलब फेस को ऑटो फोकस करना और मतलब यहाँ पर जो है बाकी सारी चीजों को ब्लर करना, तो आई थिंक क्वालिटी मतलब बहुत मुझे अच्छी लगी। और ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर एकदम बैलेंस्ड है। और बैक साइड यहाँ पर हमको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पर प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का f1.8 का और बाकी दो कैमरा है 2 मेगापिक्सल के f2.4 के। और बात करें अगर कैमरा क्वालिटी की, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मतलब ब्राइटनेस हो गई, जो मतलब वर्ड्स हैं जूम करने के बाद इतने फट नहीं रहे हैं, जो मतलब ग्रेन्स वगैरह रहते हैं देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। और हमें यहाँ पर 90Hz अल्ट्रा स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ यहाँ पर 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। वेल गाइस, स्मार्टफोन के ऊपर केस लगा के देखते हैं, थोड़ा सा टाइट है, तो इस तरीके से कुछ रेयर लुक दिखने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। गाइस, बेसिकली रियलमी नार्जो 30 5G स्मार्टफोन मेरे पास जो है उत्तम मोबाइल की तरफ से आया था, बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांच। यहाँ पर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और बाय द वे 5G नेटवर्क भी बहुत जल्द इंडिया में आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। ये था आज का वीडियो दोस्तों, आपको क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपके लिए हम ऐसी और भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे, जय हिंद।